अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आसिफ हाल पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का न्यू प्रोमो नशर कर दिया गया है, तो व्यूअर वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर के आने वाले एक साथ में आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर सैफुर रहमान की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर ओबीरा अपनी माँ को फ़ोन करती है और नाज़रीन कहती है कि अभी खुशियाँ मनाए, हमारे बाबा नहीं रहे। जिसके बाद नाज़रीन जब उसे पता चलता है उसकी माँ को, तो नाज़रीन वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और नाज़रीन यहाँ पर बात करते हुए अबीरा बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि आप यही चाहती थी ना कि ये रहमा बिल्कुल भी खुश ना रहे, तो आप खुशियाँ मनाएं, किस्मत ने आपको बेवा कर दिया है। जिसके बाद नाज़रीन जब ये अबीरा बात करती है अपनी माँ को, ये बताती है कि अब वो भी नहीं रहे, जिसके बाद नाज़रीन वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में आ जाती है और नाज़रीन रोना शुरू हो जाती है। और नाज़रीन दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर जो रहमा का कज़न है नाज़रीन, वो जल्दी से आता है और नाज़रीन अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है कि अब्बू आपको पता चला सैफुर रहमान की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद नाज़रीन जो होता है रहमा का मामू, वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है। और नाज़रीन दूसरी जानब आप लोग ये देखने वाले हो कि नाज़रीन सब लोग दुआ करने आते हैं सैफुर रहमान की कब्र पर, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर साथ भी साथ होता है और उनका नौकर साथ होता है। जिसके बाद नाज़रीन उनका जो नौकर है नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा रोता है उसकी कब्र पर बैठ के सैफुर रहमान की, और नाज़रीन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और नाज़रीन जिसके बाद यहाँ पर साद भी चुप करके खड़ा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रोने वाला होता है। और नाज़रीन यहाँ पर जो उसका मुलाजिम है नाज़रीन, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोता है, उसको याद करता है। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है और क्या हो सकता है, रहमा का क्या होगा रिएक्शन, कीमती रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।